हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होपिंग इज फाइन। वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। टुडे वीडियो ऑन दो बहुत ही पॉपुलर आने वाले फोन्स। एक तो आ चुका है नॉर्ड, आपके सबको मालूम है, जिसने डिटेल नहीं देखी तो वीडियो कार्ड्स में मैंने दे दिया। यू ऑल अबाउट वन प्लस नॉर्ड। तो इसी के मुकाबले का वैल्यू फॉर मनी और बड़ा पैकेज गूगल पिक्सल 4a लेके आने वाला है। कि अगर आप इन दोनों फोन में से एक लेना चाहते हैं तो कौन सा लेना चाहिए। सारे एस्पेक्ट क्लियर करूंगा। नॉर्ड वर्स गूगल पिक्सल 4a। अब इसमें से नॉर्ड जो है वो रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, यू ऑल नो, काफी वीडियोस हैं। गूगल पिक्सल 4a वैसे लॉन्च हो चुका है बाहर, इंडिया में आएगा मेरे ख्याल सितंबर एंड में या अक्टूबर में, जब भी होगा आपको डिटेल मिल जाएगी। नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे बताते हैं ड्रोन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड द टेक विच आई यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर अब ये जो गूगल पिक्सल है, एक तो ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, गूगल का फोन है, पिक्सल का आपने बात सुनी हुई है, पिक्सल के पहले हाई एंड फोन्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, और पिक्सल गूगल का जो पिक्सल फोन है जाना जाता है अपने बेहतरीन प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग किसकी? फोटोग्राफ्स की। कैमरा इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है। कोई भी आप वीडियो उठा लें, कोई भी पिछला रिव्यू देख लें, जितने भी कैमराज हैं गूगल पिक्सल की, जो फोटोग्राफ्स हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब नाइट परफॉर्मेंस एवरीथिंग। तो ये सारा पैकेज आपको एक बजट फोन में गूगल पिक्सल 4a में मिलने वाला है। और जो प्राइसिंग की बात सबसे पहले आती है, और ये जो गूगल पिक्सल 4a है, सबसे पहले हमारे पास आता है पैसा। इंडिया में मनी सबसे पहले माना जाता है कि पैसे में कौन ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। तो देखिए, गूगल जो नॉर्ड है आपका, नॉर्ड 3 वर्जन्स में आ रहा है आपके पास। तो जैसे इन्होंने कहा था कि 25 से शुरू होगा, और 25,000 वाला फ़ोन अभी आया ही नहीं है मार्केट में, तो 25,000 वाले को ही हम बेस मान के चलेंगे। क्योंकि हमारा जो गूगल पिक्सल 4a फ़ोन है उसमें ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन आपके नॉर्ड जो 25,000 वाला फ़ोन है उससे मैच करती हैं। 6GB रैम है और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेम है, तो वही हम कंपैरिजन करेंगे कि नॉर्ड का सबसे सस्ता मॉडल 25,000 वाला, और इधर हमारे पास गूगल पिक्सल, इसमें सिर्फ एक ही मॉडल है, कोई वेरिएशन नहीं है। गूगल पिक्सल 4a एक ही कलर आएगा, ब्लैक। एंड उसमें आपको मिलेगा बेसिकली अराउंड 26,000 के आसपास, तो प्राइस का ज़्यादा फर्क नहीं है। अब प्राइस की बात हो गई, प्राइस में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। गूगल का, वहाँ आपको गूगल का ब्रांडिंग का फ़ोन मिलेगा, इधर आपको वन प्लस का फ़ोन मिलेगा, बहुत फ़र्क है। मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस अगर मुझे दी जाए तो आई विल गो फॉर गूगल पिक्सल 4a ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। सिर्फ अभी सिर्फ ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आगे यूज़ अभी आपको बताता हूँ वैल्यू फॉर मनी कैसे है। अब दूसरी बात आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आजकल जिसलिए स्मार्टफोन्स खरीदे जाते हैं, प्रोसेसर की बात आती है। अब प्रोसेसर इनमें, उसमें है गूगल पिक्सल 4a में स्नैपड्रैगन 730 और इसमें है 765G। हालांकि नॉर्ड का प्रोसेसर थोड़ा सा नया है, बट ओवरऑल जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे मल्टीटास्किंग और जो हमें जिसके लिए फ़ोन चाहिए होता है आज की डेट में, तो ज़्यादा फर्क नहीं है प्रोसेसर के बेसिस के ऊपर भी। स्टिल आई विल गो विद गूगल पिक्सल 4a। वाई? बिकॉज वहाँ पर मुझे और जो उसके फीचर्स आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ वो ज़्यादा बेटर है। प्रोसेसिंग मुझे अच्छी चाहिए, वो मुझे डेफिनेटली मिलेगी। सिर्फ एक फ़र्क यहाँ पर नॉर्ड को नंबर जाता है कि वो 5G को सपोर्ट करता है, और 5G आने में अभी टाइम लगने वाला है मेरे फ्रेंड्स। 5G के लिए अगर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं कि मुझे 5G में सस्ते में मिल रहा है, तो उस चक्कर में अगर आप गूगल वाला फ़ोन छोड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि गूगल जैसा ब्रांडिंग का फ़ोन अगर आपके पास आ रहा है तो आपको उसको चुनना चाहिए। तो यही फ़र्क है, नॉर्ड में आपको 5G मिल जाएगा अभी, लेकिन उसमें आपको 4G तक ही मिलेगा। और प्रैक्टिकलिटी को देखें तो अभी 4G ही हमारे पास मार्केट में है, और आने वाले टाइम में अभी काफ़ी टाइम लगेगा 5G आने में, प्रैक्टिकल बात करूँ तो। अगेन इस मामले में मैं प्रोसेसर को भी अगर देखूँ तो गूगल पिक्सल 4a को ही मैं नंबर देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसके जो बाकी चीज़ें हैं जो मुझे मिल रही हैं उस रेंज में, वो बहुत बढ़िया है। अब मैं आता हूँ किस चीज़ में बढ़िया है। सबसे बड़ा कैमरे की बात हो रही है, नॉर्ड का कैमरा इज़ नॉट दैट गुड। अब किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था हाथ कम मिलाएं, तो आई विल कीप माई हैंड लाइक दिस, थैंक यू फॉर द सजेशंस। तो अब गूगल
पिक्सल 4 है जो फोन है इसका कैमरा बेहतरीन है, बेहतरीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोटो में इंस्टा में आप फोटो डालें कैमरे से अपने और वाह वाह हो जाए क्या फोटो है क्या फोटो है, तो डेफिनेटली आपको कौन सा फोन लेना है, गूगल पिक्सल 4a नॉट को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है। डिस्प्ले दोनों में OLED है और आई लाइक कॉम्पैक्ट फोन, ये 5.8 इंचेस का है, नॉट 6.4 का है, तो जिनको कॉम्पैक्ट फोन वन हैंडेड ऑपरेशन वाले फोन ज़्यादा पसंद है तो उस मामले में भी, जैसे मुझे पर्सनली कॉम्पैक्ट फोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, 5.8 इंच का है तो मेरे हिसाब से हैंड वन हैंडेड कंट्रोल इसका बहुत अच्छा होगा, एंड दैट्स वाई आई प्रेफर गूगल पिक्सल 4a, क्योंकि इसको इसमें आपको ओवरऑल पैकेज मिल रहा है, एक गूगल का ब्रांडिंग मिल रही है आपको, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन मिल रहा है, 730 प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं आपका फ़ोन लगेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, OLED डिस्प्ले मिलेगा, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, उसके साथ आपको मिलना है कैमरे की परफॉर्मेंस जो कि पिक्सल की मानी हुई है, उसके मुकाबले में इवन आईफोन जैसे फ़ोन्स को मतलब कॉम्पिटिशन देता है गूगल पिक्सल, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कैमरे को बहुत महत्वपूर्णता दी जाती है आजकल, तो उस हिसाब से अगर आप कैमरा हर कोई चाहता है कि अच्छी फोटो आए, नाइट में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो उस हिसाब से जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है कैमरे की, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फिर भी इसमें एक ही लेंस है पीछे, फिर भी मैं बताऊँगा कि प्रोसेसिंग मैटर्स, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो फोन्स के पीछे छेद दिए हुए हैं कैमरे के, चेन चार छः, इनमें मैटर नहीं करता कुछ, वॉट मैटर इज द प्रोसेसिंग, एंड द प्रोसेसिंग पावर ऑफ गूगल पिक्सल 4a इज बेस्ट, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें आपको OLED डिस्प्ले मिले, अच्छा प्रोसेसर मिले, मल्टीटास्किंग कर पाएँ और बेहतरीन फोटो ले पाएँ, तो आपको क्या लेना है, गूगल पिक्सल 4a, बिकॉज इट हैज़ मैनी थिंग्स जो कि नॉर्ड में एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिल पाई। तो बाकी अब आ जाते हैं छोटे मोटी चीज़ों में, सिम्स दोनों में डुअल सिम है, उसमें आपको ई सिम मिलेगा गूगल पिक्सल 4a में, और नॉर्ड में आपको सिंपल नैनो सिम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात एक और बहुत ही अच्छी चीज़ गूगल पिक्सल 4a की तरफ से, स्टोरेज के मामले में गूगल पिक्सल 4a 26,000 की रेंज में आपको 128GB स्टोरेज दे रहा है विद 6GB रैम, ऑन द अदर हैंड नॉर्ड का सस्ता मॉडल 64GB का है, 64GB आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स, तो ये जो लूप होल्स नॉर्ड ने दिखाए हैं उससे मैं खुश नहीं हूँ, आपको बताने वाला हूँ अब दो लाइनों में समरी मैसेज, वीडियो मैसेज क्या है कि अगर आप इस कैटेगरी में फ़ोन ढूंढ रहे हैं और लेना चाहते हैं बेहतरीन फ़ोन जो बहुत बढ़िया फोटोज़ दे, मल्टीटास्किंग अच्छी करे, प्रोसेसिंग अच्छी हो, कैमरे की फ़ोटोज़ बेहतरीन आए, देन गो फॉर गूगल पिक्सल 4a, डेफिनेटली आपको एक बढ़िया फ़ोन मिलेगा और बढ़िया सिस्टम मिलेगा, एंड लास्ट थिंग गूगल पिक्सल 4a की बॉडी प्लास्टिक की है, और इसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, तो आई एम नॉट फैन ऑफ ग्लास फोन्स क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं, एक बार गिर जाएं तो सब गया, तो उस मामले में भी आई गिव फुल मार्क्स टू गूगल पिक्सल 4a, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट गूगल पिक्सल 4a, और आप इसको नॉट से ऊपर मानते हैं या नहीं, और कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि दिस इज़ डिस्कशन होना चाहिए कमेंट्स में, अभी बताएं और आप क्या सोचते हैं गूगल पिक्सल 4a के बारे में, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो आज ये था आज का वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बंदा इसकी दुविधा में है गूगल पिक्सल 4a लिया जाए या नॉट, तो प्लीज़ गो फॉर गूगल पिक्सल 4a, क्योंकि पर्सनली मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ। थैंक यू।